मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है व्लॉग्स विद ऋषि कोठारी। और हम लोग निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए, और इधर ड्राइवर यशु, मैं, और पीछे बैठे मेरा भाई यशु, छोटा यशु, आराध्या, अवनी, अवनी तो दिखी नहीं रही भाई, गायत्री, हाँ, और उधर भाभी है, और तुक्को भाई। तो हम सब लोग निकल गए और हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो आपको यहाँ से पहले रास्ता भी दिखाते हैं हम लोग, और चलिए फिर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकल चुके हैं रुड़की से, और ये है रुड़की नहर। नहर के किनारे से जा रहे हैं हम लोग, और ये पुल है, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनका स्टैचू है, बहुत सुंदर। और अब हम निकल चुके हैं। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, राम जी बोले, जय माता जी, राम जी बोले, जय माता दी, जय माता दी वाला गाना चला दो। यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पर ये हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये पिलर्स में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी थी, और ये है ओम। तो पहाड़ों के बीच में से ब्रिज, नदी, बहुत सुंदर लग रहा था, गंगा जी निकल रही थी, ओम बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जय माता दी, ये है मनसा देवी माता मंदिर हरिद्वार। जय भोले बाबा, जय भोले राजा, जय भोले नाथ। छोटी वाला, ये छोटी वाला है, ये देखिए, ये उत्तराखंड की कुछ झलकियां हैं जो इन पिलर्स पे बनी हैं, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये व्यू मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना सुंदर था, मतलब ये आई थिंक वीडियो में इतना क्लियर नहीं है जितना ये सामने से अच्छा लग रहा था। और ये है ऋषिकेश में नया रेलवे स्टेशन जो अभी बन रहा है, बहुत सुंदर है। क्या लगा है? जाम, जाम में फंस चुके हैं। और हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं जहाँ हम जा रहे थे नील वाटरफॉल। तो यहाँ पर ये बंजी जंपिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छे, यहाँ पर काफी लोग आते हैं, यहाँ से राफ्टिंग वगैरह के लिए जाते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं नीर वाटरफॉल, हम नीर वाटरफॉल में पहुँच चुके हैं, और बैकग्राउंड की जिस तरह से है बिल्कुल पहाड़ पहाड़ है। और हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, और बच्चे बच्चे भी करी हैं, ये बच्चे यहाँ पर रुके हुए, ये आराध्या, और वहाँ ये एप्पल खा रहे हैं, सबसे पहले एप्पल खा रहे हैं, और उधर टुक्को पानी पी रही है, और ये है गहरी खाई, मेरे को भी एप्पल मिल गया। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, आपको भी लेकर चलेंगे। लोग अपना मेकअप करके आ गए, यहाँ पर हम लोग अब निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं। मेरी भी खेती रहेगी ऐसी, आज तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, आज मेरी खेती का मजाक उड़ाया जा रहा है। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. ये वाटरफॉल है फ्रेंड्स, जो कि ऊपर से आ रहा है पानी है, और यहाँ पर रोड मतलब एक ब्रिज बना हुआ है, तो उस ब्रिज के नीचे से ये देखिए यहाँ पर से निकल रहा है ये पानी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम ऊपर जा रहे थे क्योंकि वाटरफॉल ऊपर है, तो वहाँ से हमने वहीं पर बच्चे वगैरह नहाए थे, ये देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ जाते हुए रास्ते में थोड़ी बहुत कैंटीन्स वगैरह हैं जिनमें मैगी वगैरह बन रही है, मैगी, चाय, सूप वगैरह, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं वहाँ पर। ये लोग ऊपर बैठने ऊपर हैं, ये लोग आगे चले गए थे पहले, और मैं नीचे हूँ, मैं वीडियोस बना रही थी इसलिए मैं नीचे पीछे हूँ, और ये लोग पहुँच चुके हैं।
और यहाँ पर मैं इन लोगों को दिखा रही हूँ, ये लोग खड़े हैं वहाँ पर ब्रिज पे, और वहाँ से ब्रिज क्रॉस करके हम पहुँचेंगे सीधा वाटरफॉल के सामने। तो बहुत सुंदर लगा, आपको भी दिखाती हूँ। देखिए ये तो मैंने ऊपर से लिया है, ब्रिज के ऊपर से। ये देखिए ये है वाटरफॉल, इससे ऊपर जाने का भी रास्ता है, बट हमारे साथ बच्चे भी थे तो हमें अच्छा लगा यहीं पर, तो हम यहीं पर हमने बच्चों को नहला दिया यहाँ पर। देखिए बच्चों ने फुल एंजॉय किया है, रिलैक्स हो गए थे बच्चे भी। सभी बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए राध्या लग रही है, राध्या को तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, ये पानी वगैरह में कहीं ऐसी जगह जाओ तो फुल डांस वगैरह करती है, फुल एंजॉय करती है। और मैं भी थोड़ी बहुत वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी, वीडियो सुना रही थी। ये देखिए और यहाँ पर बच्चे मस्ती करते हैं, मस्ती कर रहे हैं। अरे पानी इतना अच्छा लग रहा था, वाइट बहुत सुंदर देख के ऐसा लग रहा था, उस दूर से बह रहा हो, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए राध्या, देखिए कितना मस्ती कर रही है, ये शू सारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। पीछे खाने की तैयारी हो रही है, हाँ। हम खाना खा रहे हैं, बच्चे ही हम लाए हैं आलू की सब्जी, रोटी, हाँ, उधर बैठ सकते हैं। और फ्रूट्स लाए थे, एप्पल, बनाना और खीरे वगैरह लाए सैलेड के लिए। तो हम लोगों का, और हम डोने वगैरह प्लेट्स वगैरह लेके आए हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स, पानी का कैंपर, सब कुछ हम लेके आए हैं घर से के, और उधर नाइफ भी लेके आए एंड नमक भी लेके आए, क्योंकि अभी अभी हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं तो हम घर का ही खाना खाएंगे, और इसलिए कोविड के चक्कर में बाहर का खाना अवॉइड करें, जितना हो सके उतना हम अवॉइड कर रहे हैं। तो हम लाए हैं और भाभी सबको दे रही है, ये देखो। हाँ आप बताओ क्या लाए खाने में, आपको मिला खाना? खाना मिला नहीं भाई, अपने को खाना, ड्राइवर का भी खाना नहीं मिला, मिल गया भाई, मिल गया, भाभी दे रही है, दे रही है भाभी खाना, अपने खा रहे, अपने को नहीं मिला खाना, खाना मिलने लग गया, मिल गया खाना, अब हम खाना खाएंगे, मुझे भी मिल रहा है तो हम भी खाएंगे आलू की टिक्की। फ्रेंड्स हम खाना खा रहे हैं, और इसका जो भी डोने वगैरह या हमारी जो भी यहाँ पर कूड़ा हुआ था वो सब हमने एक पॉलिथीन में इकट्ठा कर लिया था, और हम उसे घर में आके हमने उसको डस्टबिन में डाला है, यहाँ हमने सारा साफ कर दिया। हाँ हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और मैं तो यही प्रीफर करूँगी, आप लोगों को यही एडवाइस दूँगी कि अगर बाहर जाते हैं तो ऐसी जगहों में चिप्स या पानी वगैरह भी अपना अरेंजमेंट करके जाएँ, घर से ही चिप्स वगैरह लेके जाएँ, ताकि वहाँ पर बहुत महंगा लगा था हम लोगों को, तो इसी वजह से हम लोग तो लेके गए थे सभी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह भी थी, पानी भी हम कैंपर ही लेके चले गए थे बच्चों की वजह से। और यहाँ का व्यू इतना सुंदर था कि मेरा मन कर रहा था आपको दिखाते जाऊँ, इतना पहाड़ी रास्ता, गंगा जी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ पसंद आया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।